बीएसएफ की ताकत क्या बढ़ी, सियासत आसमान पर जा पहुंची है। पंजाब ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्या सरकार और क्या विपक्ष, सबके सुर एक जैसे हैं। लेकिन कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी को ही सुरक्षा का पाठ पढ़ा दिया। बीएसएफ देश की करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखरेख की जिम्मेदारी, रण ऑफ कच्छ, दुर्गम रेगिस्तान से लेकर नदी घाटी, बर्फीले पहाड़ तक में मुस्तैदी, आतंक से लेकर अपराध तक रोकने की चुनौती। दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल को अब नई ताकत मिल गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ गया है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की बजाय अब 50 किलोमीटर तक का इलाका बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में होंगे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर तक एक्शन का हक होगा। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर से 80 किलोमीटर में बीएसएफ को कार्रवाई का अधिकार था, जिसे घटाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया। राजस्थान में पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बीएसएफ एक्शन ले सकेगा। असम में भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक होगा। बीएसएफ का न सिर्फ दायरा बढ़ा बल्कि अधिकार भी बढ़े। अब बीएसएफ अपने इलाके में न सिर्फ तलाशी ले पाएंगे बल्कि उसे जब्त करने और गिरफ्तारी का भी हक होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएसएफ अब 50 किलोमीटर की दूरी तक यानी बॉर्डर से अंदर जाकर के जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी कर सकता है। ये बीएसएफ के एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 168 के 139 धारा के तहत इस तरीके के कदम बढ़ाए गए हैं। बीएसएफ को मिले नए अधिकार पर पंजाब में घमासान छिड़ गया। कांग्रेस से लेकर विपक्ष तक केंद्र सरकार के फैसले पर हमलावर हो गए। पंजाब कांग्रेस तो आपस में ही भिड़ गई। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र पर संघीय ढांचे पर हमले का आरोप लगाया तो पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी की सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर सियासत न करने का पाठ पढ़ा दिया। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चन्नी से सवाल किया कि क्या अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने अनजाने में आधा पंजाब केंद्र को सौंप दिया। पंजाब में अगले साल चुनाव है, ऐसे में हर दल खुद को पंजाब का सबसे बड़ा रहनुमा दिखाने में भी लगा है। यही कारण है कि बीएसएफ को ताकत देने पर हर दल ने एक सुर में केंद्र के खिलाफ हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने तो इसे केंद्र का तुगलकी फरमान बता दिया। डायरेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर के विच उन्होंने दखलंदाजी की थी, जिड़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। क्योंकि चीज़ा जिड़िया नहीं कर सकती, जिड़ी स्टेट गवर्नमेंट के जिड़ी काम ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट पुलिस या होर पुलिस जी साड़िया फोर्सिज ने उन्होंने केड़ा काम रहेगा। ये राज्यों के जिहड़े अधिकारां दे डाका है असी इहदा पुरजोर विरोध करते हैं और मंग करते हैं कि केंद्र सरकार इस तुगलकी फैसले नूं वापस लवे ताकि पंजाब दे लोकां दे विच कुछ अपना ताला, कुछ प्यार दा सुनेहा जावे और अपन देश नूं अग्गे लैके जावे। कभी मोदी सरकार के साथ सत्ता में रह चुकी अकाली दल को भी बीएसएफ को नई शक्ति देना रास नहीं आया। जिहड़ा केंद्र सरकार दा होम मिनिस्ट्री दा नवा फैसला आया कि पंजाब ते कुछ होर सूबियां दे विच बीएसएफ नूं अधिकार दित्ते गए है कि 50 किलोमीटर तक वो पुलिस की तरह किसी नूं अरैसट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये मैं समझदा कि सारी पंजाब स्टेट बीएसएफ के हवाले करन दा एक कोझा यतन है। इहदा मतलब है कि केंद्र सरकार बॉर्डर स्टेट पंजाब दे विच इनडायरैक्ट तरीके दे नाल राज करना चाहती है और उन्हें बॉर्डर का बहाना बना के 50 किलोमीटर इहदा मतलब कि आलमोस्ट सारी स्टेट का जिहड़ी लाइन आर्डर है वह केंद्र के हवाले की। इस फैसले का मैं विरोध करता हूँ, केंद्र सरकार को इमीजिएटली इन्हें वापस लेना चाहिए, किसी भी तरीके स्टेटा फैसला प्रवान नहीं करना चाहिए। पंजाब में सीमा से 50 किलोमीटर तक का इलाका बढ़ाए जाने से पूरा अमृतसर बीएसएफ के अंदर आ जाएगा, जहां वो न सिर्फ तलाशी ले पाएंगे बल्कि पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकेंगे। गृह मंत्रालय के इस आदेश से जो एजेंसियां लगातार चिंताएं जाहिर कर रही हैं उसमें काफी मदद मिलेगी
और ये बताया जा रहा है कि 15 से 50 किलोमीटर की दूरी तक अगर छानबीन करने और ऑपरेशन करने में बीएसएफ को काफी दिक्कतें हो रही थी, वो सारी चीजें अब आगे आने वाले समय में नहीं होंगी। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।